Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6, chapter 5, Rural Administration. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी। एक बार मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रूरल एरिया में लेकर गई। रूरल एरिया होता है विलेज वाला एरिया। तभी मेरा एक स्टूडेंट बोलता है, मैम यहाँ पे तो बहुत ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन ये दो फार्मर्स लड़ क्यों रहे हैं आपस में। फिर मैंने बताया इन दोनों फार्मर्स का नाम है मोहन और रघु। रघु मोहन की जो फील्ड है, एरिया है, उसको हड़पना चाहता है, तो अपनी बाउंड्री थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता है। ये चीज़ जब मोहन नोटिस करता है कि अरे मेरा तो बहुत बड़ा फील्ड था, मेरी तो बहुत बड़ी जगह थी, ये तो छोटी सी हो गई, इसका मतलब रघु ने अपनी बाउंड्री जो है वो थोड़ी इंक्रीज कर ली है, मेरी जगह को हड़पने की कोशिश की है। तभी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैम ये तो मोहन के साथ गलत हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी जमीन कैसे वापस मिलेगी। ध्यान से सुनना, जब हम स्टेट को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट, और जब डिस्ट्रिक्ट को भी हम डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा सब डिस्ट्रिक्ट। तो अब हमें पता चल गया है कि जब स्टेट को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देंगे तो उसे बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को भी बहुत सारे एरियाज में डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा सब डिस्ट्रिक्ट। अब हम देखेंगे कि सब डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है और डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है। सब डिस्ट्रिक्ट को हम तहसील और तालुका भी बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो मोहन को पटवारी के पास जाना चाहिए, क्योंकि पटवारी सब डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में, विलेज वाले एरिया में सभी के लैंड को मेजर करता है और उस रिकॉर्ड को अपने पास रखता है। अगर किसी फार्मर को अपने लैंड की रिकॉर्ड चाहिए होता है तो वो उसकी कॉपी उस फार्मर को भी दे देता है। पटवारी को अलग अलग विलेज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पे इन्हें बोला जाता है लेखपाल, कहीं पे कनंगो, कहीं पे कर्मचारी, तो कहीं पे विलेज ऑफिसर। पटवारी की और भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और उनके पास कितना रेवेन्यू, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है उस क्रॉप से। पटवारी के भी एक हेड होते हैं जिन्हें बोला जाता है तहसीलदार। तहसीलदार देखते हैं कि पटवारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी फार्मर में लड़ाई हो जाती है लैंड को लेके तो वो अपनी प्रॉब्लम को तहसीलदार के पास लाते हैं और तहसीलदार उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तहसीलदार को रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं। अब तहसीलदार के भी एक और हेड होते हैं जिनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये देखते हैं कि क्या तहसीलदार अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। अब आपको पता चल चुका है कि पटवारी का हेड जो होता है वो तहसीलदार होता है, और तहसीलदार का भी जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोहन को किसके पास जाना चाहिए अपनी प्रॉब्लम लेके। ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी। अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रूलर यानी कि विलेज वाले एरिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इंडिया में 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं। अब इन विलेजेस में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोड कनेक्शन प्रोवाइड करना भी कोई एक स्मॉल टास्क तो है नहीं, और लैंड रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करना, या फिर अगर किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उन सबको डील करना भी इजी टास्क नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि टू रूलर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैसे काम करते हैं। अ क्वेरल इन द विलेज। विलेज में क्वेरल, क्वेरल मतलब लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। यहाँ पे टू फार्मर्स की स्टोरी बताई गई है। एक का नाम होता है मोहन और दूसरे का नाम होता है रघु। इन दोनों का जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है वो सेपरेटेड होता है एक स्मॉल बाउंड्री से, जिसे बोला जाता है बर्न। आपको मैं एक फिगर से समझाती हूँ। ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड है और इसमें ये वाला है मोहन का और ये है रघु का। अब इन दोनों के जो फील्ड है ना वो सेपरेट हो रखी है, एक लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच में जो लाइन है, इससे इसको बोल रहे हैं हम बाउंड्री। अब दोनों के बीच में एक बाउंड्री ड्रॉ हो रखी है। तो मोहन एक दिन सुबह देखता है कि रघु ने
वो जो बाउंड्री है उसको रब करके और मोहन का जो एरिया था उसको भी हड़पने की कोशिश की है। मोहन का इतना एरिया ले लिया और बोला कि जो बाउंड्री है वो यहाँ पर थी। अब रघु का एग्रीकल्चर फील्ड बहुत बड़ा हो गया। अब मोहन को गुस्सा भी आ रहा था लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि रघु के जान पहचान के बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनके जो अंकल थे वो भी सरपंच थे विलेज के। फिर भी मोहन ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो रघु के घर गया। मोहन और रघु में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया और रघु बोलता है, मैंने कोई बर्न्ड या फिर बाउंड्री इंक्रीज नहीं करी है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर रघु ने अपने हेल्पर्स को बुलवा के मोहन को पिटवा दिया। ये सब कुछ नेबर देख रहे थे और मोहन को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। उसके हेड और हैंड में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। इसके बाद नेबर्स ने उसको फर्स्ट एड दिया जिससे उसको थोड़ा बहुत आराम हुआ। मोहन के कुछ फ्रेंड्स और जो विलेज के लोग थे वो बोलने लगे कि तुम लोकल पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करो। लेकिन कुछ लोग बोलने लगे कि पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रघु की फैमिली है ना, उसके पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट्स होंगे तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन सब डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा और वो नेबर्स भी जाएंगे जिन्होंने ये इंसिडेंट देखा था अपनी आंखों से। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। जब मोहन अपने पड़ोसियों के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा था तो उसमें से एक नेबर बोलता है, क्यों ना थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके हम टाउन के मेन पुलिस स्टेशन में चलते हैं। इसी बात पे मोहन बोलता है, बात पैसों की नहीं है, लेकिन हमारा विलेज इसी पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, इस वजह से हमें इसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी। हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है। अब उस एरिया में जो पर्सन रहते हैं उनको अगर कोई भी केस की रिपोर्ट करनी है तो वो इस पुलिस स्टेशन में करते हैं, जैसे कि थेफ्ट चोरी हो गई हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, किसी में फाइट हो गई हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए एक्शन ले। इस चैप्टर में जो भी लाइन मैंने हाईलाइट की है वो सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, तो इसलिए लर्न कर लेना। नेक्स्ट, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां के इंचार्ज से मिला, जिसे बोला जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO, और उसने अपनी सारी स्टोरी बताई और मोहन चाहता था कि उसकी कंप्लेन को लिखा जाए। SHO ने उसकी बातों को सुनने के बाद कहा कि मेरे पास ये छोटी मोटी माइनर कंप्लेन के लिए टाइम नहीं है। फिर मोहन ने अपनी इंजरीज भी दिखाई कि देखो मेरे को हाथ पे भी लगी है, मुझे सर में भी लगी है। फिर भी SHO को बिलीव नहीं हुआ। अब मोहन तो पजल हो चुका था कि क्या करना चाहिए। वो सारे नेबर्स को बुला के लाया ऑफिस में और सारे नेबर्स ने बोला कि हाँ मोहन के साथ मारपिटाई हुई थी, इसकी आपको कंप्लेन लिखनी चाहिए, रजिस्टर करनी चाहिए। फाइनली जो ऑफिसर थे, जो SHO थे, उन्होंने मोहन की कंप्लेन को लिख लिया। SHO ने पीपल से बोला, जो भी नेबर्स आए थे उनसे कहा कि मैं कांस्टेबल को भी भेजूंगा जो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा। ये सब होने के बाद मोहन को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो SHO ने मेरी कंप्लेन लिखी तो सही। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मोहन और रघु के बीच में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे, क्या कोई ऐसा वे नहीं है जिससे पीसफुली इनकी डिस्प्यूट को, लड़ाई को सॉल्व किया जाए? क्या ये लैंड रिकॉर्ड को शो करके भी इस चीज को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि विलेज में लैंड रिकॉर्ड रखा जाता है। अब वो हम देखेंगे कि लैंड रिकॉर्ड कौन रखता है अपने पास मेंटेन करके। एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है पटवारी, ये सबकी लैंड को मेजर करता है और उस रिकॉर्ड को अपने पास रखता है। अगर किसी फार्मर को उस लैंड रिकॉर्ड की कॉपी की जरूरत होती है तो वो भी ये पटवारी दे देते हैं उन्हें। पटवारी को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि लेखपाल, कनंगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। हर एक पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो विलेज के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखे। ये सारी डिटेल लैंड की पटवारी एक रजिस्टर में लिखता है। उसमें एक मैप के फॉर्म में लैंड को भी दिखाया जाता है कि किसका कितना लैंड है। पटवारी एग्रीकल्चर फील्ड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं। कुछ प्लेसेस पे तो लॉन्ग चेन का यूज करते हैं,
अभी हमने जो स्टोरी देखी थी मोहन और रघु की, इसमें पटवारी जो मैप था उससे मेजर करेंगे। अगर मैप में जितना है मेजरमेंट उतना ही उनके लैंड का हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब बाउंड्री को चेंज किया गया है। तो ये तो सबसे इजी मेथड था, मोहन सीधा पटवारी के पास जाता और बोलता कि जो आपके मैप में मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रघु ने अपनी बाउंड्री को चेंज कर लिया है। इससे पटवारी भी मोहन की हेल्प करते। पटवारी की और भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को बताना कि कौन से फार्मर्स कौन सी क्रॉप कौन से एरिया में ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर लैंड रेवेन्यू को बोला गया है जो भी क्रॉप को फार्मर ग्रो कर रहे हैं उससे उनको कितना पैसा मिल रहा है, कितने रुपीज मिल रहे हैं, और जो वो टैक्स देते हैं वो कितना देते हैं। इन सब का रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। पटवारी को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है अपने सारे रिकॉर्ड्स, क्योंकि फार्मर्स अपने क्रॉप को चेंज करते रहते हैं। कभी कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो कभी कोई क्रॉप ग्रो करते हैं। किसी किसी फील्ड में तो वेल भी डिग होता है, यानी कुआं खोदा जाता है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन पटवारी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देनी पड़ती है गवर्नमेंट के। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सीनियर पीपल्स पटवारी के वर्क को सुपरवाइज भी करते हैं कि क्या पटवारी अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कैसे पटवारी फार्मर की लैंड को मेजर करने के बाद एक पेज पे सारा रिकॉर्ड लिख रहे हैं। जिस पेज में सारा रिकॉर्ड लिखा होता है उसे खसरा बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। पटवारी इस टाइप का मैप भी बनाते हैं जिससे पता चल जाता है कि किसका एग्रीकल्चर फील्ड कितना है। यहाँ पर मैंने येलो कलर कर दिया है और जो येलो कलर की एग्रीकल्चर फील्ड है ये मोहन की है और ग्रीन वाली रघु की है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट का आंसर तो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट का आंसर है रघु। अगर किसी फार्मर को अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए मैप के साथ तो उसका राइट है, वो ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे स्मॉल फीस यानी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। फार्मर को लैंड रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन इजीली नहीं मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ स्टेट्स में तो रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज रखा जाता है, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया जाता है फार्मर्स की, और पंचायत ऑफिस में भी रखी जाती है इंफॉर्मेशन। आपको क्या लगता है कि फार्मर्स को लैंड रिकॉर्ड की कॉपी की जरूरत कब पड़ती है? यहाँ पे 5 सिचुएशंस दी हुई हैं और हमें बताना है कि कौन से केस में नेसेसरी है लैंड रिकॉर्ड और कौन से केस में नहीं है, और अगर नेसेसरी है तो क्यों है। ध्यान से सुनना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पूरे इंडिया स्टेट्स में डिवाइड हो रखी है और स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो रखे हैं और डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो रखे हैं। इन सब डिस्ट्रिक्ट को हम तहसील और तालुका भी बोलते हैं और इसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपने IAS ऑफिसर्स का नाम तो सुना ही होगा ना, IAS ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही बोलते हैं। इनके अंडर में रेवेन्यू ऑफिसर्स काम करते हैं जिन्हें बोला जाता है तहसीलदार। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को और क्या बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है तहसीलदार। अगर किसी पर्सन में डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई को रेवेन्यू ऑफिसर सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये पटवारी के काम को भी सुपरवाइज करते हैं कि पटवारी लैंड रिकॉर्ड को और लैंड रेवेन्यू जिसे टैक्स बोला जाता है उसे कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी फार्मर को उनके लैंड रिकॉर्ड की कॉपी पटवारी नहीं दे रहे हैं या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जा सकते हैं और रेवेन्यू ऑफिसर्स इस चीज में हेल्प करते हैं क्योंकि वो पटवारी के सीनियर होते हैं और पटवारी को रेवेन्यू ऑफिसर की बात माननी पड़ती है। अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। जब भी हम किसी फार्मर के बारे में सोचते हैं जिसका खुद का लैंड होता है तो हम ये सोचते हैं कि ये एक मैन ही होगा, क्योंकि वीमेन्स तो काम करती हैं फील्ड में, उनका तो कोई एग्रीकल्चर लैंड होता ही नहीं है। कुछ स्टेट्स में आज भी हिंदू वुमेन को उनके फैमिली एग्रीकल्चर लैंड में शेयर नहीं दिया जाता। जब फादर की डेथ हो जाती है तो सन्स में इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है, डॉटर को तो मिलती ही नहीं है। लेकिन अभी ये लॉ चेंज हो चुका है। न्यू लॉ के अकॉर्डिंग
सन को, डॉटर को और उनकी मदर को इक्वल शेयर मिलेगा लैंड का। कंट्री की सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये लॉ अप्लाई हो चुका है। इस लॉ से लार्ज नंबर ऑफ वीमेन को बेनिफिट भी हुआ है। यहाँ पे एक स्टोरी भी दी गई है एग्जाम्पल में। एक लड़की होती है सुधा। सुधा अपनी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है। घर में बड़ी बेटी होने के नाते इसकी शादी जल्दी हो जाती है और ये नेबर के विलेज में ही रहती है, यानी कि पड़ोस के विलेज में ही रहती है। इसके फादर की जब डेथ हो जाती है तो सुधा अपनी मम्मी की हेल्प कराने के लिए घर में आती है और फार्मिंग वर्क भी करती है, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी अपनी मम्मी की हेल्प करती है। एक दिन सुधा की मम्मी पटवारी के पास जाती है और बोलती है कि जो लैंड है, जो जमीन है, वो मेरे और मेरे बच्चों के नाम में ट्रांसफर कर दो, एंटर कर दो नाम अपने रिकॉर्ड में, क्योंकि अब इसके पापा की तो डेथ हो चुकी है। सुधा की मदर ने ये चीज इसलिए की क्योंकि वो चाहती थी कि सभी बच्चों में इक्वली लैंड का शेयर हो। अगर सुधा को कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी आए तो उसको फेस ना करनी पड़े, क्योंकि उसका लैंड का शेयर उसके पास होगा। इस स्टोरी से हमें ये पता लगा है कि जो न्यू लॉ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसके अकॉर्डिंग सभी वुमेन्स को अधिकार मिला है कि वो अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी में या लैंड में शेयर ले सकती हैं। यहाँ पे एक पोयम दी गई है, अ डॉटर्स विश। इस पोयम में एक डॉटर ये बोलना चाह रही है कि जो मेरे फादर का हाउस है वो उन्होंने अपने फादर से लिया था, और सभी लोग ये बोलते हैं कि ये हाउस अब मेरे फादर मेरे ब्रदर को दे देंगे, लेकिन मेरा और मेरी मम्मी का क्या? क्या हमारा कोई शेयर नहीं है हमारे फादर के होम में? ऐसा नहीं है कि मैं एक वीमेन हूँ इसलिए ये बात बोल रही हूँ, लेकिन सच में मैं अपनी एक प्लेस लेना चाहती हूँ, एक जगह चाहिए मुझे। मुझे कोई डॉरी, दहेज वगैरह या गोल्ड वगैरह नहीं चाहिए। इस ड्राइंग में आप देख भी सकते हैं जो दो वीमेन्स हैं वो बोल रही हैं, आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी। मतलब मुझे खुद की प्लेस चाहिए, मुझे कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए, मुझे लैंड में शेयर चाहिए। अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है गवर्नमेंट का रूरल एरिया में। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस कैसे मेंटेन करती है, और सेकंड में हमने देखा था कि लैंड रिकॉर्ड को पटवारी कैसे मेंटेन करते हैं। फर्स्ट केस में हमने पुलिस का रोल देखा था और सेकंड में पटवारी का। पटवारी और पुलिस के काम को सुपरवाइज भी किया जाता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस के काम को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुपरवाइज करते हैं और पटवारी के काम को तहसीलदार सुपरवाइज करते हैं। ये सारी सर्विसेज, चाहे पुलिस की हो, पटवारी की हो, या तहसीलदार या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या और भी सर्विसेज, सब लॉ के अकॉर्डिंग ही अपना काम करती हैं। आपने काफ़ी सारी पब्लिक सर्विसेज भी देखी होंगी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी दी गई है कि अगर आप किसी विलेज में विजिट करते हैं तो वहाँ के जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एक फर्स्ट दिया हुआ है फेयर प्राइस शॉप, एक का बताया हुआ है, बाकी हमें हेल्थ सेंटर का और मिल्क सोसाइटी का करना है कि फेयर प्राइस शॉप में क्या आप क्या काम नोटिस करते हो। तो यहाँ पे लिखा गया है, द शॉप वॉज ओपन, 3 पीपल्स केम, दे ऑल हैड येलो कार्ड, दे बॉट शुगर एंड राइस, केरोसिन वॉज नॉट अवेलेबल। तो ऐसे ही हम हेल्थ सेंटर का भी लिख सकते हैं, हेल्थ सेंटर में हॉस्पिटल फैसिलिटीज आती हैं, और हमारा मिल्क सोसाइटी है तो मिल्क प्रोवाइड कैसे होता है विलेजेस में, तो ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारे बॉक्सेस फिल करने हैं, जैसे फेयर प्राइस शॉप इसमें किया गया है। वैसे ये एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। अब देखना ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेक्ट बताता है मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है ना। Thank you.